चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल घंटी को दबाओ और लाइक करो। और शादी अच्छा डिफेंस भाई आ जाओ वाली शादी आओ तुम्हारा बैठे इस तरह एक सर्विस फिर से चलती हुई अगला भाई चला तीन पट्टी बनाम जगमलपुर के बीच चला जाएगा भाई तीन कैप्टन और बनाओ तीन पट्टी एंड जगमलपुर बनाकर हम तैयार रखे अपने आप को गैलरी से करीब रखे इस मैच में तुरंत बाद दूसरा मैच चला जाएगा अहमद हमारी कुलसर डिफेंडर आजमाएगा मोहम्मद सादिक को हल्का आ दिया और सर्विस इंतजाम करने में कामयाब मोहम्मद सादिक भाई बड़ी भाई इस टूर्नामेंट में जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उनका नाम बता रहा हूँ तो बिलाल इलेक्ट्रिक एंड बैटरी हाउस बिंदवल जगमलपुर बमहुर आवा दौना कटौली और जैराजपुर की टीमें शिरकत कर रही हैं। और बहुत सारी टीमें अभी बीच में आया साफ हुआ पैस टू सर और बकार अहमद बाल अभी भी हवा में डिफेंडेड अहमद नोमानी अरकम लेकिन अभी भी लगातार खराब प्रदर्शन कर रही थी बिंदवल अगर इस मैच में टूर्नामेंट में बने रहे तो कुछ अच्छा प्रदर्शन करना होगा होगा मुन्ना सह परवान और भाई साहब वकास से आ रास्ता पर रास्ता है जगमलपुर की टीम और सामने अलाउद्दीन पट्टी बड़ा रास्ता कैसे का मुकाबला हो सकता है अगले मैच में और हल्का प्रेसिडेंट बाल अभी भी हवा में आजमाइश बाल दूसरे कोर्ट में अरे अहमद नोमानी अच्छा किया उसके साथ एक और पॉइंट का ऐसा पावर वाला पॉइंट 3-9 ये धूप तो हर हर से परेशान करेगी क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया तो इस वक्त जैराजपुर के प्लेयर और बिंदवल को एकदम परेशान करके रखा है एक बार फिर सर्विस चेंज होती हुई डिफेंडर और अच्छी शॉट सर्विस में नाम करने में कामयाब इस वक्त शुक्रिया साथी नौमानी खान खल्लर उसने साथ में मजीद लाल यूपी वाले वाले प्रवीण की आज पहली आराधी रात इस रात में इस खिते आजमगढ़ वैभव होते पूर्वांचल के तमाम अच्छी टीमें आने वाली हैं जो बड़ी मशहूर मारूफ की मैं आजकल अपने गेम के फन अपने फन को बेकार किया है अपने आजमगढ़ में वो नाम बैरीडीह की टीम जो बड़ा बेहतरीन गेम शो कर रही है पूरे
इस उत्तर प्रदेश में हो बिंदवल के नाम से खेलेगी। शोर यहाँ पे आने वाली है, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी टीमें आ रही है। कुछ नौजवान बच्चे बड़े ग्राउंड पे आ रहे हैं, गेम को सोच रहे हैं, ये बता रहे हैं आज नहीं तो कल उनका भी बोलबाला होने वाला है, उनका भी नाम रोशन होने वाला है। क्योंकि आजमगढ़ का ग्राउंड बड़ा प्यारा रहा है, आज से नहीं बहुत सदियों से रहा है वॉलीबॉल का, क्रिकेट के लिए जाना गया। और ये हितेश भी इस सर्जरी से कलमकार भी पैदा हुए हैं, फनकार भी पैदा हुए हैं, स्पोर्ट्समैन भी पैदा हुए हैं। तो स्पोर्ट्समैन के लिए आज की रात सजाई गई है, रईस खान, अली असरा खान, सैफ खान, सफा खान, हाफिज मोहम्मद आमिर खान, अरमान खान, सागर खान, अरसलान खान, या अहले जगमलपुर कहा जाए, और निसार अहमद को याद आए बता रहे हैं। अपनी माँ की लोलियों भी सुने हैं, तो आजमगढ़ की माए अपने बच्चों को लोलियां सुनाती थी, तो शायद लोलियां दुनिया वॉलीबॉल और दुनिया क्रिकेट के साथ अदबी कहानी, वो साहब की कहानी, वो तालाब की कहानी की आज की माए नहीं। आज की माए तो सीरियल देखने में मस्त है, फिल्में देखने में मस्त है, मोबाइल में। आज से पहले 15 साल 10 साल पहले की माए एक कहानी जरूर सुनाती थी अपने बच्चों को, हम सबको। लेकिन आज हमारा जो माँ का फिगर रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा की है। आज की हमारी माओ को सिर्फ महंगे स्कूल में बच्चों को भेजना जाती है, लेकिन उसको क्या करना नहीं जानती कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं। यही हमारे में स्लाइड हो रहा है। सबसे पहला मदरसा हमारा जो है हमारी माँ की गोद है, माँ की गोद घर का आगा, ये सबसे बड़ा मदरसा है। जो आजकल 9 बजे 8 बजे सोता रहता है, ये मदरसा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो नौजवानों इस चीज को घर से हिदायत देनी है, घर से हमें तालीम देनी है, घर से लोग कहानी सुनानी है, उसके बाद हम खेल में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, हमारे वसी इसको निखारने के लिए जगदलपुर में सेवाओं वालों को मैं सलाम कर रहा हूँ। अन्य जगदलपुर रईस साहब से मिले, तो ये लाल यूपी वाली बात को लौटा देते हैं। खान झलकर निसार मेमोरियल लाल यूपी वाली बात को हम इनकी याद आज अभी से मैं देख रहा हूँ कि जो कावा टीम है अभी ग्राउंड पे नहीं है। तो नौजवान टीम ये बता रही है कि हमारे मुल्क का बच्चा हवादर को बदल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। तो इसे फल निकालने के लिए, फल को बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पौधे को लगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस पौधे को तराशा जा रहा है, रईस एक नौजवान चेहरा का निकला यहाँ पे है, लेकिन एक सोच लेकर निकला है। और अगर नौजवान कोई सोच लेकर निकले तो फिर कभी रुकना नहीं है। नौजवान अपने मुल्क के लिए ऐसा क्यों हुआ करता है, तो नौजवानों को चाहिए कि हमें आगे आना है, हमें हर काम को इसी जज्बे के साथ, इस खुशी के साथ, इसे बेहतरीन अंदाज में अपने आप को दिखाना है, जिस तरह सब खेल के मैदान में दिखाते हैं। तो मेरे ग्राम साहिब भाई हमारे बीच नमदार नसीबपुर आपका भी वेलकम है, और साथ हमारे साथी कमेंटेटर भाई साहब भी आ चुके हैं। मसरत भाई भी लगी है, इसका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो तुरंत रिसीव करते हैं, और मैं रहता हूँ कि वो वक्त हमारे साथ आगे रहते हैं। तो जयरामपुर और बिंदौल के बीच में मुकाबला, जगदलपुर और इनके बीच एक और टीम है, वो टीम अपने गेम को सोचने के लिए।